मैं रचना नाहर सर मैं दुबई च गई सी ओमान दे विच ओमान दे विचों आ गई हाँ लेकिन मैं हूँ अज मैं हैल्प चाह रही हाँ मैं पहले उत्थे फसी हुई सी सर उत्थे मैं कुछ नहीं सी कर सकती किसी वास्ते भी नहीं अपने वास्ते भी सर मैं अपने वास्ते भी सोचती सी कि मैं वापस ही नहीं जावांगी लेकिन मैं हूँ वापस आ गई हाँ तो मैं उन्हां वास्ते कुछ करना चाहनी हाँ जिहड़ियां उत्थे मेरियां भैणां फसियां ने उन्हां नूं वापस लियाना चाहनी हाँ सर मैनू हैल्प मिली सोनू जाखर जी ने मैनू मिले ने जाफर जी उन्होंने मैनू मिले ने उन्होंने मिल के मैनू हैल्प मिली और मैनू बहुत उन्होंने समझाया और मैनू एम पी साहब नू उन्होंने मिलाया वा तो मैं सर मैं एम पी साहब तो यह मांग कर रही हाँ कि बस जी उत्थे कुड़ियां दूसरियां फसियां जिस तरह के मैं तो चलो आ गई वो कुड़ियां वापस बुलाइया जा सानू राहुल एजेंट लैके गया से सर अमृतसर का सर उत्थे सर जाके गंदे गंदे काम कराते धंधे कराते सर नुमैश लवा देंगे ने कुड़ियां की उन्होंने काम करने वास्ते इतों लैके जाते पर उन्होंने जिसम उन्होंने विकेगा उत्थे ये कुड़ियां नहीं पता है राहुल अमृतसर का सर राहुल की वाइफ टिकट बनाती है राहुल की वाइफ नाल है राहुल का ब्रदर दोनों नाल ने ते सर तुसी साड़ी हेल्प करो मेरी अल्फा वन दे विच उन्हें ना मुलाकात हुई सी ऑफिस नहीं सर मैं उन्दा वेख्या इस वेले कुड़ियां सर काफ़ी कुड़ियां हैगियां ने उत्थे कम से कम 25-30 कुड़ियां ने ते जे आपां अलग अलग देशां दीआं कुड़ियां मिलाइए तो उत्थे 200 कुड़ी है असीं ये मांग करदे कि सानू कुड़ियां वापस दित्तियां साढ़े देश दीआं कुड़ियां सानू वापस दे देण बस वही बहुत है क्योंकि असी तो वापिस आ गए सानू वो भी वापस चाहिए इन्हां दी कुछ एजेंट इहो जिहे हैगे ने जिहड़े उत्थों दे लोकल एजेंटां दे नाल रल के गलत कन्वेय करके इन्हां लोकां नूं क्योंकि गरीब लोग ने इन्हां नूं लोड़ हुंदी है मजदूरी की इन्हां नूं मिसगाइड करके कि तुहानूं उत्थे चंगीआं तनखावां दित्तियां जाणगीआं घरां च काम करवाया जाऊगा तो तुहाडे कोलों थोड़ी बहुती लेबर जिहड़ी आ इक जो औरत कर सकदी उह करवा के ते तुहानूं 25-25-30-30 हज़ार रुपया महीने का मिलिया करूगा उहदे करके लालच आ गया इन्हां लोकां ने भी बहुता भुख पड़ताल नहीं की और वो इन्हां नूं ओमान लैके गए ओमान दे विच जा के मुड़ के फिर इन्हां नूं अगे उत्थे मतलब दूजियां लोकां दे हत्थ अगे इन्हां नूं मतलब पैसे लैके अगे भेज दिंदे आ और जिथे इन्हां नूं शोषण करदे इन्हां दा मानसिक तौर पर और शरीरक तौर पर ये जिहड़ी गल सी मेरे ध्यान च आई मैं इहदा केस पुटअप किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटरनल अफेयर नाल ओमान दी एम्बैसी दे नाल भी कॉन्टैक्ट किया और अज ये दो परिवार जिन्हां दे विच रचना आ और दूसरी लड़की मनप्रीत है हरप्रीत वो भी अजे मतलब आ गई है 4 तरीक दिन वापस आ गई मैं थोड़ा बिजी सी अज तो आई थोड़े को आए क्योंकि पहलों तो बहुत घबराइया से बाहर नहीं होना चाहते मनप्रीत मैं कह दी उन्होंने हरप्रीत इन्हें गया ना मनप्रीत तो वो इन्होंने ये सदमे च ने सिर्फ यही भी भैन साड़ी आई है गल दसन सारी दूजी लड़की इन्नी सदमे च कि वह बहर भी नहीं किसी के नाल गल भी नहीं करना चाहती और दो लड़कियां जो साड़ियाँ उत्थे ओमान एम्बैसी च ने उन्होंने भी जल्दी मतलब मेरी कोशिश है कि उन्होंने भी लैके वापस आवं ये लड़की फिरोजपुर की है जी दूसरी लड़की आई है वो धौलां की है एक जगद्या की लड़की उत्थे और एक दूसरी लड़की तेड़ी की है ये तीनों केस अजे नाले दे ने और बहुत जल्द उन्होंने भी वापस लैके आवेंगे और मैं भी बिजली वाल की जिन्या भी होर भी केस है तुसी मेरे ध्यान च दिओ असीं इस चीज़ नाल संजीदा दे नाल काम करके अपनी धरती ते वापस लेवांगे और ये जिहड़ा काम होया आ ये सोनू जाफर जी बैठे मेरा वीर ये भी नाल लैके आए सी उस दिन असीं इकट्ठे सी और इकट्ठिया बह के ये गलबात सारी सुनी और असीं काफ़ी देर तो ये पिछले लगे हैं कि घर अपने वापस आ जाए और इन्हें परिवार के जीव भी बैठे इन्हों पता है कि किस तरीके दे नाल इत्थे जिहड़ा एजेंट सी उत्ते प्रैशर पाया कमिश्नर साहब ने नाल सारी पुलिस ने रल के और उन्होंने मजबूर किया कि इन्होंने वापस लिया जाए और दूसरिया लड़कियां भी वापस असी लैके आवेंगे और बड़ी जल्दी जिहड़ा वो अपने परिवारों के पहुँचनगियाँ देखो जिहड़ी जिहड़ी कानूनी कार्रवाई बनती उन्होंने सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है जो कोई नहीं होंगी वो मैं कमिश्नर साहब को कहूँगा कोई लिहाज नहीं इस काम के जिहड़ा काम इलीगल आ चाहे कोई भी आ जिहड़ा कानून के दायरे तो बाहर आ वो नहीं होता जाएगा।